चारों हैं पक्के यार, प्यार पे करते जान सार। हम चारों हैं पक्के यार, प्यार पे करते जान सार। दोस्ती हेलो जॉन, हेलो। हेलो सर। हेलो सर। डैडी। हेलो। सलीम। आदाब। बलबीर सिंह। वॉल्टर डेविड। सर बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सर। तो यही है तुम्हारे यूनिट के दोस्त। तुम्हें मालूम है जब मैं आर्मी में था तो एक बार जब एयर अटैक हुआ तो जानते हो मैंने क्या किया? बस हो गए शुरू। सुनाने दीजिए ना आंटी प्लीज। हाँ सुनाइए अंकल। इन्हें क्या मालूम मैं कितना बहादुर था। एक बार मेरे कमांडेंट ने मुझे ऑर्डर दिया कि मेजर इस बटालियन को लेकर उस सरहद पर जाओ। उस बटालियन के चक्कर में इस बटालियन के क्यों तंग कर रहे हैं? ये बटालियन 2 महीने की छुट्टी पर आई हुई है। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर मैं आर्मी में होता तो इनका कोर्ट मार्शल कर देता। बड़े कोर्ट मार्शल करने वाले, अभी तो मैंने आपको पिट्ठू लगा रखा है। डैडी मम्मी से ना बचना। क्यों? नहीं तो पिट्ठू के बाद आपकी ड्यूटी क्वार्टर गार्ड पर लगा देंगे। और सर उसके बाद आपकी सारी छुट्टियां भी कैंसिल। सलीम तुम ही मेरी सपोर्ट करो ना, ये सब तो अपने आंटी के साथ मिल गए हैं। सॉरी अंकल, ये मोर्चा आपके हाथ से जा चुका है, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अंकल मेरा एक सजेशन है आपके लिए। क्या? कि अब तो आप आंटी के सामने सरेंडर कर ही दीजिए। सुरेंद्र प्रोफेसर तिवारी से जरूर मिल लेना, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं और अक्सर फोन पर तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। और सुनो अपने दोस्तों को भी ले जाना। सुरेंद्र ये वही प्रोफेसर है ना जिनका जिक्र तुम यूनिट में अक्सर किया करते? मेरे सच्चे मार्गदर्शक तो वही है भाई। अपना मार्गदर्शक तो बलवीर सिंह है। और मेरा मार्गदर्शक सर वाल्टर डेविड है। मुझे बहुत खुशी हुई जब सुरेंद्र ने मुझे बताया कि तुम चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही यूनिट में हो और चारों एक जान बनकर रहते हो। काश मेरा सारा देश भी ऐसा बन जाए। इस वक्त डैडी में प्रोफेसर तिवारी की आत्मा बोल रही है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर, प्रोफेसर तिवारी साहब जी, लगता है काम हो चुका। हुजूर ऐसे भी बेरुखी क्या कि सलाम तक ना पहुंचे? क्या? टेलीफोन। किसका? वही आपके चहेते शागिर्द सुरेंद्र मोहन का। कहां से? यही दिल्ली से। अच्छा अच्छा। कहां जा रहे? टेलीफोन सुनने। मैंने सुन लिया है, बंद कर दिया। ओ, लेकिन मेरी बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने बात कर ली है, वो आपसे मिलना चाहते थे। मैंने कह दिया प्रोफेसर साहब सारा दिन घर पे हैं, किसी वक्त भी आ जाओ। ओ, लेकिन मेरी बात तो मैंने कहा ना, मैंने बात कर ली है। देखो गोरू तुम यहाँ रहते हो, मैं तुम्हें स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो मन में आया करते रहो। इतने सालों से आपकी हालत पर तरस खाकर मैं आपके साथ रहता हूँ, आपकी सेवा करता हूं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप जो चीज चाहे बोल दे। तरस खाकर? यानी तू मुझ पे तरस खाता है? आप कॉलेज से रिटायर्ड बाल ब्रह्मचारी, ना आपका कोई आगे ना पीछे, अजीब किस्म का आप इंसान, अजीब किस्म का आपका काम। कभी नेत्रदान, कभी रक्तदान, कभी ये दान, कभी वो दान। प्रोफेसर साहब अगर मैं आपका ख्याल ना रखूं तो आप। गुरु कितनी बार तुम्हें समझाया कि प्रोफेसर साहब को परेशान मत किया करो। परेशान ये करते हैं, मैं नहीं। आप इनकी इतनी पुरानी स्टूडेंट हैं, इनके साथ रिसर्च करती हैं, आप इनकी ज्यादती नहीं देख रहे? आप इन्हें समझा नहीं सकते। देखा आशा, देखा तुमने इसे? आप भी तो उसके बिगड़ नहीं रह सकते। अगर कहीं चला जाता है तो ढूंढते फिरते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन वो भी तो उदास हो जाता है। यही तो है ना, आप दोनों एक दूसरे में समा चुके हैं, अलग नहीं हो सकते। वो आए? कौन? आप जाकर देख लीजिए। अच्छा उन्हें बैठाओ, मैं अभी आता हूं। देखो आशा ये मैंने निशान लगा दिया ना, इनको तुम जरा नोट कर लेना। हाँ मैं देखता हूं। अरे सुरेन। हेलो सर। हेलो सर। बैठो बैठो। थैंक यू।
थैंक यू सर। सर ये मेरे दोस्त वाल्टर डेविड सलीम। हेलो सर। बलबीर सिंह। जीते रहो बेटे। अरे भाई तुम लोगों से गायबाना मुलाकात तो बहुत पहले से थी, ज़ाहिराना आज हो गई है। जी हम समझे नहीं। अरे भाई तुम कौन हो, क्या हो, सुरेंद्र से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये अक्सर सुरेंद्र अपनी चिट्ठियों मुझे लिखा करता था और ज़ाहिरा तौर पर मुलाकात आज हो गई है। अरे गोरू। यही हूँ, बोलिए। अच्छा तो ये है गोरू, ये अभी तक आप ही के पास है। अब ये बेचारा कहाँ जाएगा, अब तो इसका मेरा घी शक्कर कैसा रिश्ता है। ए गुरु, सुरेंद्र मोहन वही जो फौज में है। हाँ। आपको अभी तक गोली नहीं लगी। अरे गुरु पूछने में क्या बुराई है। नहीं नहीं गुरु कोई बुराई नहीं है, पूछिए आप। सुना है दुश्मन आपके सामने होता है। हाँ सामने होता है, पास होता है, आता जाता रहता है। दुश्मन कैसा होता है? बिल्कुल आप जैसा। मेरे जैसा? हाँ अकल का दुश्मन बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता है। अरे ये लोग आए हैं, कुछ चाय पानी वगैरह नहीं लाओगे? जाता हूँ अभी लाता। सुरेंद्र तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? हाँ मेरी स्टडी में जाओ। अरे आशा। सुनिए तुम कैसी हो? तुम भाई बलबीर लगता है सलीम से तुम्हारी खासी मोहब्बत है। हाँ सर, वो इसलिए कि जो अल्लाह का प्यारा है और जल्दी ही अल्लाह को प्यारा होने वाला है। और सर ये वाहेगुरु का प्यारा है और वाहेगुरु को जल्दी ही प्यारा होने वाला है। अरे शुभ शुभ बोलो भैया, तुम लोगों के सामने अभी बहुत लंबी उम्र पड़ी है। सर जब पिता यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा कि हे बाप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो सर मैं तो यही कहूंगा कि हे प्रोफेसर इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। अरे भाई मैं माफ करने वाला कौन होता हूं, लेकिन अब जब बात चल ही पड़ी है तो मैं तुम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु यीशु ये सब एक हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान है। आशा मीट माय फ्रेंड वाल्टर डेविड। हेलो सलीम। हेलो बलबीर सिंह। हेलो। चले सर। हाँ थैंक यू वेरी मच। सर मैं भी चलूँ? हाँ हाँ। आशा तुम तो कल शायद देर से पहुंचोगी। क्यों सर? अरे भाई कल रक्षाबंधन है, अपने भाइयों को राखी वाखी नहीं बांधोगी? सर मेरे कोई भाई नहीं है। भाई नहीं है? लेकिन तुम्हारी बातों से तो हमेशा ऐसा लगा जैसे तुम्हारा भाई है। सर आप ही तो कहते हैं कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसकी सदा तुम यही कल्पना करो कि वो तुम्हारे पास है, इसी से संतोष मिलता है। हाँ संतोष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। आप लोग राखी नहीं बांधोगे? हम राखी बंधवाने आए हैं आशा। तीन भाई और एक बहन। कहा मैं एक भाई के लिए तरसती थी और अब तीन तीन भाई, मैं भी आती हूँ। मैंने तुम्हें पहले मना किया था ना कुछ कहने के लिए। मैं कहाँ बोला? मैं भी नहीं बोला। ओहो अभी तक आप कुछ बोले ही नहीं है। तो मैं बोल रहा था। देखो तुम कुछ नहीं बोलोगे
जहां देखो ऊट पटांग बातें शुरू कर देते हो तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करेंगे यार, चुप रहेंगे, समझे? जो कहना होगा मैं कहूंगा, मुझे मालूम है कि इस पे क्या बात करनी है। हाँ यार, तू हम सबसे ज्यादा समझदार है ना। मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था। चुप। मैं राखी लेकर आती हूँ। हम राखी साथ लेकर आए। दे दो। नहीं, घर ले जाइए, दे दीजिए। मेरे मम्मी डैडी। डैडी, और ये हैं बलवीर सिंह, वॉल्टर डेविड, सलीम। मम्मी, जानती हो तीनों भैया मुझसे राखी बंधवाने आए हैं और साथ में राखी भी लेकर आए हैं। बैठो बेटे, बैठो। जुग जुग जियो बेटे, भगवान आपको सदा सुखी रखे। सच पूछा जाए तो आज आशा के जीवन में एक महान राखी का त्योहार है, जिसमें जिसमें ईश्वर ने तुम जैसे शूरवीर सैनिकों को आशा के भाई बनाकर भेजा है। मैं भी आती हूँ डैडी। बेटी, शुभ काम में देरी क्यों? भाइयों को राखी बांधो। बाबूजी, वो हम अपनी बहन को एक अमूल्य तोहफा देना चाहते हैं। बेटे, भाई बहन के जाति मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों आशा, हम तुम्हें जो भी देंगे तुम स्वीकार करोगी ना? तुम लोग मेरे भाई हो, जहर भी दोगे ना तो मेरे लिए अमृत है। कैसी बातें करती है मेरी बहन। अब तो तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी खुशी हमारा धर्म है। बेटा, हम तो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, इसका भला बुरा तो अब तुम लोगों ने ही देखना है। अब तुम जानो तुम्हारा काम। बाबूजी, हम भाइयों का हमारी बहना के लिए अमूल्य तोहफा है सुरेंद्र मोहन। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। लेकिन बेटे, हम ठहरे दूसरी जात के, कहां वो खानदान और कहां हम। बेटा, वो इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए, हम प्रोफेसर साहब से मिलकर सब ठीक कर लेंगे। आप सिर्फ वही करते जाइए बाबूजी जो हम कहते हैं। बेटे, मैं लड़की वाला हूं, बेटी की खुशी के लिए अगर मेरे हार दास की भी जरूरत हो तो ले जाओ बेटे। शौकत भाई, कैसे आना हुआ गरीब खाने पर? खैरियत तो है ना? हाँ भाभी जान, खैरियत है भी और नहीं भी। मैं आज आपसे एक खास बात कहने आया। हाँ हाँ। हमारे मोहल्ले के कुछ लोगों ने सलीम मियाँ को। हाँ, बात बिल्कुल सच है। भाभी जान, माशाल्लाह आप तो पांच नमाजा हैं, आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं इस्लाम के अंदर बुत परस्ती हराम है। शौकत भाई, सलीम बदलते हुए दौर का तरक्की पसंद नौजवान है। लेकिन भाभी जान, मजहब भी तो कुछ है। चाचा जान, आप जानते हैं कि मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही का एक ही मजहब होता है, मादरे वतन। लेकिन सलीम मियाँ, ये क्यों भूलते हो कि तुम एक मुसलमान हो? मुसलमान होने का ये मतलब तो नहीं कि दूसरे मजहब का एहतराम ना किया जाए। मालिक की तो एक ही जात है, राम कहो या रहीम। तौबा तौबा, आप तो काफिरों जैसी बातें कर रही हैं। अल्लाह पाक से डरिए भाभी जान, हश्र के रोज क्या जवाब देंगे? हश्र के रोज जवाब हम देंगे, आप फिक्र मत करिए। फिक्र? आप शरा से बगावत करें और हम फिक्र ना करें। सारे शहर के अंदर शोर भरपा है कि सलीम मियाँ ने एक हिंदू लड़की से राखी बंधवाई है। शौकत भाई, सलीम के अब्बा जब रोटी के लिए बेवतन हुए, उस वक्त जिस औरत ने हमें सहारा दिया और जिसकी बदौलत मैं ये छोटा सा घर बसा सकी, वो औरत एक हिंदू थी। उस वक्त कहाँ थे आप लोग, आपका ईमान, आपकी शरह? भाभी जान, वो दरअसल जब सलीम के वालिद हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बुरी तरह जख्मी हुए आपके घर पहुंचे, तो आपने ये कहकर घर से निकाल दिया कि आप बरतानिया सरकार से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तब इस नन्ही सी जान को लेकर हमने एक मंदिर में पनाह ली, पर पुजारी ने हमसे नहीं पूछा हम हिंदू हैं या मुसलमान। और आप
आप आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करते हैं और वो भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत है। गीता बाइबल ग्रंथ कुरान सब में एक है वो भगवान। गीता बाइबल ग्रंथ कुरान सब में एक है वो भगवान। तो ये बात है मेजर साहब, हमें जो कुछ कहना था हमने कह दिया, अब फैसला आपके हाथ है। ऑलराइट, मुझे ये रिश्ता मंजूर है लेकिन मेरी एक शर्त। कहिए मेजर साहब। लड़की सिर्फ 3 कपड़ों में आएगी। ये शर्त नहीं, ये तो आपका हुक्म है। और फिर मैं कौन होता हूं आपके हुक्म को टालने वाला। आप महान है मेजर साहब, एक तो दूसरी जात की लड़की को अपने घर में बहू बनाकर ला रहे हैं और वो भी बिना दाज दहेज के। भगवान आपको राजी खुशी रखे। भगवान मनशाराम जी बधाई हो। बधाई के हकदार तो आप हैं। आज हमारी पश्चिमी सीमाओं पर हमारे पड़ोसी देश ने अचानक हमला कर दिया है। हमारी सेना पूरी ताकत से दुश्मन का मुकाबला कर रही है। अन्य सीमाओं पर भी सेना पूरी तरह से सतर्क कर दी गई है। ताजा समाचारों के अनुसार दुश्मन की ओर से किए गए इस हमले में 2 लड़ाकू जहाज नष्ट हो गए हैं। इसके जवाब में हमारी वायुसेना ने दुश्मन के 2 लड़ाकू जहाज और 14 टैंकों को नष्ट कर दिया है। दूसरे छोर से हमारे सैनिक दुश्मन के इलाके में घमासान युद्ध करते हुए आगे बढ़ने में सफल हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सभी छुट्टी पर आए सैनिकों को यूनिट में रिपोर्ट करने को कहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद लड़ाई पर जाने की। तुम्हें भी कि तुम्हारे होने वाला पति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा है। मुझे गर्व है कि भारत माँ का वो लाल जो अपनी जान हथेली पर लेकर जा रहा है वो मेरा होने वाला सुहाग है। आशा, तुम्हारा इतने कहने से ही मेरा हौसला और भी बुलंद हो गया। सुरेंद्र, तुम्हारे बुलंद हौसले के बुलंद नतीजे देखने से ज्यादा मुझे खुशी होगी। मैं अपने खून की एक एक बूंद बहा दूंगा मगर अपने हिंदुस्तान की आन और शान को नहीं जाने दूंगा। मैं खून की हर बूंद की हिफाजत करूंगी। मैं भी आ रही हूँ उस लड़ाई में तुम्हारे पीछे पीछे। तुम? नर्स बनकर। जय हिंद। जय हिंद। जाओ बेटा, भगत सिंह का जज्बा तुम्हारे साथ है, गुरु गोविंद सिंह का हाथ तुम्हारे सर पर है, देवी माँ का आशीर्वाद तुम्हें विजयी बनाएगा। शत्रु के अन्याय और जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दिया। घमासान युद्ध हुआ, उनकी जीत हुई और ये चारों। साथ ही सलीम की वसीयत और उसका आई डोनर कार्ड है। जब
जब सलीम की विकेट पर हमला हुआ तो उसने ये दोनों मुझे दे दिए थे। इस वसीयत में लिखा है कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें सुरेंद्र मोहन को दे दी जाएं। सुरेंद्र मोहन की आंखें जा चुकी हैं, ये उसे लड़ाई के दौरान ही पता चल गया था। हो जाए कर किसी की दुनिया में अंधेरा, छिन जाए उसकी आंख से खुशियों का सवेरा। मजबूर बेसहारों की हिम्मत बढ़ाइए, कुर्बानी दे के देश का कल्याण करोगे। इंसानियत पे दोष तो एहसान करोगे, इंसानियत पे दोष तो एहसान करोगे। खुश हो के आज अपने नेत्रदान। बलवीर। हाँ दोस्त। बलवीर, मैंने जो आशा से कहा तुमने सुना? हाँ सुना। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, तुमने ठीक ही कहा। सुरेंद्र मोहन का बचना जरूरी है, वरना आशा। सुरेंद्र मोहन का बचना बहुत जरूरी है। सलीम चला गया? हाँ, सलीम चला गया। भाई बलवीर, लगता है सलीम से तुम्हारी खासी मोहब्बत है। हाँ सर, वो इसलिए कि अल्लाह का प्यारा है और जल्दी ही अल्लाह को प्यारा होने वाला है। और सर, ये वाहेगुरु का प्यारा है और वाहेगुरु को जल्दी ही प्यारा होने वाला है। वाटर, मेरा कहना ही क्यों सच हुआ? सलीम का कहना सच क्यों नहीं हुआ? नहीं बलबीर, नहीं, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। खुदावंद करीम, जो चाहता है होता वही है। हाँ, सोचा सोचना हो वही, जे सोचे लखवा। खत पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया। सावित्री, सारी जिंदगी मेरी जिन बातों को तुम खोखले भाषण समझती रही, आज वो जीवन की सच्चाई बनकर तुम्हारे सामने आई। मैं भी क्या करती, एक बड़ा खानदान, एक ऊंची जात, मेरे संस्कार ही ऐसे थे। जिस दूसरी जात वालों को तुम छोटा समझती थी, आज उसी जात की लड़की ने तुम्हारे जख्मी बेटे की दिन रात सेवा की और उसे मौत के मुंह से बचा लिया। जिस धर्म को लेकर तुम शोर मचाती रहीं, आज उसी मुसलमान लड़के ने तुम्हारे अंधे हिंदू बेटे को अपनी आंखों का महादान दिया है। ये भी भगवान की लीला थी, आशा सुरेंद्र के पास पहुंच गई। तभी तो कहता हूं, उस परम पिता परमेश्वर ने इस धरती पर एक ही नूर बिखेरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदम जात ने अपने फायदे के लिए किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ना जाने क्या क्या बना दिया। आप ठीक कहते हैं। कोई इस आदम जात से पूछे, ईश्वर की संतान, अल्लाह के प्यारे,
है वाहे गुरु के सेवक, यीशु के बेटे, कभी तो अपने गिरबान में झांक कर देख और अपने आप से पूछ, जमीन के टुकड़े करने वाले हवा के टुकड़े करेगा कैसे, कि मां तो तूने बेच दिया है, खुदा के टुकड़े करेगा कैसे। खैर छोड़ो, एक घंटे के अंदर तुम्हारा बेटा अपने यूनिट के दूसरे साथियों के साथ आर्मी स्पेशल से दिल्ली पहुंच रहा है। मैं सोच रही थी मेरा बेटा मुझे मिल गया है, लेकिन उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बेटा जा चुका है जहां से। हमेशा एक ही आवाज आती है, जान अब मैं सुरेंद्र नहीं सलीम हूं, क्योंकि अब मैं सलीम की आंखों से संसार देख रहा हूं। देखा तुमने किस तरह इन चारों ने अपने अपने धर्म को भूलकर केवल कर्म ही को याद रखा। छोटी सी जिंदगी में इंसानियत की राह पर चलते चलते कितने संदेश दिए, कभी रक्तदान, कभी नेत्रदान, तो कभी जीवन दान। ए मानवता के बचपन, बन जाओ संसार के मसीहा, कर दो इस अंधेरे जग में उजियारा, ले जाओ एकता, अखंडता, प्रेम, सद्भावना, बलिदान के इस चिराग से रोशनी। मार मार के खाल नीली कर दूंगा। चुप, देखो मैं प्रिंसिपल साहब के पास जा रहा हूं, तुम लोग चुपचाप अपना पाठ याद करो, और हां शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना मार मार के खाल नीली कर दूंगा। सर सर चुप, क्या प्रिंसिपल सर बोला सर आपको?
प्रिंसिपल साहब ने बुलाया? जी सर। ठीक है, अभी आते हैं। अच्छी भली नींद खराब करके रखती है। चुप। देखो, मैं प्रिंसिपल साहब के पास जा रहा हूं, तुम लोग चुपचाप अपना पाठ याद करो, और हाँ, शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना मार मार के खाल नीली कर दूंगा। सर, सर, हाँ। चुप। क्या सर, आपको प्रिंसिपल साहब बुलाया? सर, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया? जी सर। ठीक है, अभी आते हैं। अच्छी भली नींद खराब करके रख दी।